सॉरी, डिसकनेक्ट हो गया था। तो इस प्रकार आपका जो है ये 3 लेवल पंपिंग स्कीम है। उसके बाद 3 लेवल के बाद हम पढ़ते हैं क्या, 4 लेवल स्कीम। 4 लेवल स्कीम में 4 लेवल होते हैं आपके। एक होता है आपका E1, E2, E3, E4, E4 days। इनिशियली इसमें भी एटम लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, जैसे आउटसाइड से एनर्जी प्रोवाइड होती है आपका, या तो E4 में जाता है या फिर E4 days में जाता है। यहाँ पर एटम की स्टेबिलिटी नहीं के बराबर होती है, इसलिए रैपिडली नियरेस्ट लेवल में आता है। E3 पे सबसेंट स्टेबिलिटी होती है, और कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम स्टिमुलेटेड एमिशन। कुछ एटम में ये पॉसिबिलिटी होती है कि स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद भी कुछ एनर्जी बची रहती है, इसलिए वो डायरेक्ट कहाँ नहीं जाता है, E1 पे नहीं जाता है, और वो लोअर से अपर लेवल में कुछ समय के लिए फिर से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए इसको हम फिर बाद में नाम देते हैं लोअर मेटा स्टेबल स्टेट और मेन मेटा स्टेबल आपकी ये होती है। दोनों में क्या अंतर है, इसमें 3 लेवल होते हैं, इसमें 4 लेवल होते हैं। इसमें एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है, इसमें 2 मेटा स्टेबल स्टेट होती है। इसमें एक बार नॉन रिएक्टिव ट्रांजिशन होता है, इसमें 2 बार होता है। लास्ट डिफरेंस और मेन डिफरेंस कि ऐसे लेजर जो 3 लेवल को फॉलो करते हैं उसका रिजल्टेंट लाइट आपका पल्स में होता है, ऐसे लेजर जो 4 लेवल को फॉलो करते हैं उसका रिजल्टेंट लाइट कैसा होता है, आपका कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। इस प्रकार रीजन भी बताया था मैंने कि इसमें जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है उसके बाद एटम डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे आता है, और इसमें स्टिमुलेटेड के बाद डायरेक्ट एटम आपका ग्राउंड पे नहीं आता है, ग्राउंड से अपर लेवल में आता है। तो एक एटम यदि ग्राउंड से अपर लेवल में है और दूसरा एटम डायरेक्ट ग्राउंड में है, तो दोनों में से ईजी शिफ्ट करना किसको पॉसिबल होगा, आपका ग्राउंड से अपर लेवल वाले को। इसलिए 4 लेवल स्कीम में जो आपका पल्स का फॉर्म है वो प्रोड्यूस नहीं होता, और 3 लेवल में आपका पल्स का फॉर्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार 3 लेवल और 4 लेवल में डिफरेंस पूछा जाएगा, तो आपको ये बताना है। पंपिंग स्कीम हो गया। उसके बाद आता है आपका लेजर बीम प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है ना। बेसिक मीन्स ऐसे कंपोनेंट जिसमें से कोई भी एक कंपोनेंट यदि मिस होता है तो आपका लेजर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं, हम बेसिक कंपोनेंट कहते हैं। तो 4 बेसिक कंपोनेंट है। एक है आपका एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स का काम है कि लोअर एनर्जी एटम को किसमें कन्वर्ट करना, हायर में, दैट इज कौन सी प्रोसेस कंप्लीट करना, पॉपुलेशन इन्वर्सन। दूसरा है आपका एक्टिव मीडियम, वह मीडियम जिसमें लाइट का क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, दैट इज वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से लेजर की स्टडी कर रहे हो। अब एक्टिव मीडियम में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एटम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, स्टिमुलेटेड के लिए। उसमें से कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस को फॉलो करते हैं और कुछ स्टिमुलेटेड को फॉलो करते हैं। हमें कौन सी जरूरत होती है आपकी, स्टिमुलेटेड वाली। तो ऐसे एटम्स, पर्टिकुलर एटम जिनके सुटेबल एनर्जी लेवल होते हैं और वो कौन सा फॉलो करते हैं एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, उन पर्टिकुलर एटम्स को कहते हैं एक्टिव सेंटर्स। उसके बाद आता है लेजर पंपिंग कि जैसे हम एक्टिव मीडियम और पावर सप्लाई को एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोसेस हो जाता है, आपका पंपिंग कंप्लीट हो जाती है। पंपिंग 4-5 टाइप की कल बताई थी, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एटम एटम इंटरेक्शन, केमिकल रिएक्शन, डायरेक्ट कन्वर्जन एक्सेट्रा। इसके बाद आता है फोर्थ और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसका नाम है ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो उसके बारे में बताया था, ऑप्टिकल रेजोनेटर मीन्स एक ऑप्टिकल डिवाइस या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल सेटअप। क्या होता है, मिरर्स का होता है। मिरर्स के बीच क्या प्लेस किया जाता है, एक्टिव मीडियम को, और एक्टिव मीडियम को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, एनर्जी सोर्स से। तो ये जो बेसिक सेटअप है वो कहलाता है आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर का। इसमें दो मिरर जो है दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। एक आपका एज ए फुल्ली रिफ्लेक्टर होता है जिसे M1 नाम देते हैं, बाद में आप बुक अपने नोट्स में देखते जाना। M1
का काम ये होता है कि जितना भी लाइट आता है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। M2 सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट मीन्स इसमें कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को सेट किया जाता है, और यदि किसी फोटान की या लाइट की एनर्जी उस पर्टिकुलर रेंज में आ रही है तो ट्रांसमिट होगा, अदरवाइज बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो आपका सेकंड टाइप का जो मिरर है M2, उसे कहते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट। इस प्रकार M1 M2 बीच में आपको एक्टिव मीडियम और उसको पावर सोर्स से क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। इस प्रकार का सेटअप क्या कहलाता है आपका, ऑप्टिकल रेजोनेटर। अभी जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है, किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करते हुए किसमें कन्वर्ट करता है, लेजर लाइट में। स्टेप्स के नाम मैंने उस दिन भी बताए थे आपको, जिस दिन क्लास अपनी हुई थी, फिर भी रिपीट कर रहा है। पहला होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज उसमें बेसिक सेटअप किया जाता है, एक M1 लिया जाता है, एक M2 लिया जाता है, एक एक्टिव मीडियम रख दिया जाता है और उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया जाता है। तो कंडीशन कौन सी होती है आपकी, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन, कि आपको पता है कि जब तक आपका पावर सप्लाई एक्टिवेट नहीं होगा, आपका पॉपुलेशन इन्वर्सन कंप्लीट नहीं होगा, और पॉपुलेशन इन्वर्सन कंप्लीट नहीं होगा इट मीन्स किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, किसकी नहीं बढ़ेगी, स्टिम्युलेटेड की, और स्टिम्युलेटेड की नहीं बढ़ेगी दैट इज आपका लेजर पॉसिबिलिटी कम रहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे पॉपुलेशन इन्वर्सन कंप्लीट हो जाता है। इसलिए बी स्टेप को नाम दिया जाता है कंप्लीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्सन। फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, N1 ग्रेटर देन N2, सेकंड कंप्लीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्सन दैट इज N2 ग्रेटर देन N1, दो हो गया। थर्ड स्टेप, अब जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्सन कंप्लीट होता है तो बहुत सारे एटम्स जो हायर एनर्जी स्टेट में है वो अपने लाइफ टाइम को कंप्लीट करके कहाँ पे आएंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में। तो कंप्लीशन दो तरीके से होगा, एक होगा स्पॉन्टेनियस के थ्रू, दूसरा होगा स्टिमुलेटेड के थ्रू। तो ऐसे फोटॉन जो अलग अलग डायरेक्शन में रेंडमली कहीं रिलीज हो रहे हैं वो होगा आपका स्पॉन्टेनियस, और ऐसे एटम या ऐसे फोटॉन जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिलीज हो रहे होंगे वो किसके कारण हो रहे होंगे, आपके स्टिमुलेटेड के लिए। तो आप हम क्या करते हैं, डायरेक्शन सेलेक्टर लगाते हैं जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले फोटॉन को सिलेक्ट कर देता है, अदरवाइज बाकी को रिजेक्ट कर देता है। तो इस प्रकार आपका जो थर्ड स्टेप है वो कहलाता है आपका डायरेक्शन सेलेक्टिविटी। फोर्थ, डायरेक्शन सेलेक्टिविटी के बाद क्या होता है कि आपके जो फोटॉन्स है M1 से किसके हो जाते हैं, M2 की ओर। लेकिन M2 पर जाने पर फोटॉन के पास इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं होती है कि वो किसको क्रॉस कर सके, M2 को क्रॉस कर सके, इसलिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन किसके हो जाते हैं, आपके M1 की ओर। बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी ऑप्टिकल फिनोमेना के थ्रू फोटॉन्स का क्या हो रहा है, रिवर्ट हो रहा है, इसलिए इस स्टेप को नाम दिया जाता है बाद में ऑप्टिकल फीडबैक। देन ऑप्टिकल फीडबैक के बाद आपके सारे के सारे फोटॉन कहाँ पे जाते हैं, M1 पे। M1 पे जाने के बाद M1 की एक फीचर होता है कि वो सारे सारे फोटॉन को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देगा, फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्शन के कारण उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए इस स्टेप को नाम दिया गया लाइट एम्प्लीफिकेशन। ऐसा करते करते बहुत बार ऐसा होता है फोटॉन M1 में आए, M से M2 आए, और इतना ग्रुप ऑफ फोटॉन बढ़ते जाते हैं जिसे कहते हैं लाइट ऑसिलेशंस, और ग्रुप ऑफ फोटॉन में इतनी सफिशियंट एनर्जी आ जाती है कि वो किसको क्रॉस कर सकते हैं, M2 को, और इस प्रकार फाइनली आपको क्या मिल जाता है, लेजर लाइट मिल जाता है। तो इस प्रकार पंपिंग स्कीम क्या होती है आपका, जो बेसिक कंपोनेंट है लेजर भी प्रोड्यूस करने के लिए वो बता दिए, बेसिक कंपोनेंट की वर्किंग बता दी, उसके बाद टाइप्स ऑफ लेजर पूछा जाता है या क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर पूछा जाता है। तो जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं कहीं पे भी तो कुछ क्राइटेरिया होता है, तो
लेजर को भी अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे हो गया कि उनकी एप्लीकेशन फील्ड के बेसिस पे, कि जैसे जो मेडिकल में यूज़ हो रहा है उसको मेडिकल में कैटेगरी में रखेंगे, जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है उसको अलग कैटेगरी में रखेंगे, एक्सेट्रा। तो क्राइटेरिया जो हो सकते हैं, एक होता है उनके एप्लीकेशन फील्ड, उनकी एफिशिएंसी की 60 से 70% किसकी है, 70 से 80% किसकी है, एक्सेट्रा। उसके अलावा एक्टिव मीडियम के बेसिस पे भी इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्टिव मीडियम के बेसिस पे लेजर बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड स्टेट लेजर, ऐसा लेजर जिसमें एक्टिव मीडियम क्या होगा, सॉलिड मटेरियल होगा, उसे कहते हैं सॉलिड स्टेट लेजर। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है रूबी लेजर, दूसरा एग्जाम्पल है NDYZ लेजर। उसके बाद होता है गैस लेजर। गैस लेजर पहला है हीलियम नियॉन लेजर, दूसरा है आपका CO2 लेजर। उसके बाद होता है लिक्विड डाई या लिक्विड लेजर, और उसके बाद होता है आपका सेमीकंडक्टर लेजर। लेकिन हमारे सिलेबस में एक्टिव मीडियम लेजर है, और एक्टिव मीडियम के बेसिस पे ही दो है, एक आपका सॉलिड स्टेट लेजर और एक गैस लेजर, और दोनों के दो दो एग्जाम्पल है। इस प्रकार टोटल कितने लेजर हो गए आपके, 4 लेजर की स्टडी करना है। लिक्विड डाई और सेमीकंडक्टर लेजर जस्ट आपको पता होना चाहिए कि होते हैं, उसके अभी हम सिलेबस में स्टडी नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, रूबी लेजर की। तो रूबी लेजर का आप अपना नोट्स निकाल के रखो, 1 मिनट मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूँ तब तक, कि रूबी लेजर क्या होता है। आप अपना डायग्राम निकाल के रखो 1 मिनट। देख लिया सबने, रूबी लेजर के बारे में या किसी भी लेजर के बारे में हम उसका फ्रेमवर्क बात करते, कि उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन, उसके बाद उसका वर्किंग, उसके बाद उसके पैरामीटर्स, उसके बाद उसके एप्लीकेशन, और उसके बाद उसके कोई ड्रॉबैक्स हो तो वो। तो इंट्रोडक्शन में जितना हम अभी तक जानते हैं कि रूबी लेजर क्या है, एक टाइप का सॉलिड स्टेट लेजर है जिसमें ऑप्टिकल पंपिंग विथ 3 लेवल स्कीम, क्योंकि डायग्राम में भी दिखाया होगा आपको, उसमें देख लिया होगा, इज यूज्ड, क्यों यूज किया जाता है, ताकि पॉपुलेशन इन्फ्यूजन कंप्लीट हो जाए और आपका लेजर प्रोड्यूस हो जाए। इस प्रकार इसका सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। रूबी लेजर इज ए टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर इन विच ऑप्टिकल पंपिंग मेथड विथ 3 लेवल पंपिंग स्कीम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पॉपुलेशन इन्वर्सन एंड लाइट एम्प्लीफिकेशन। अब यहाँ पे जो रूबी वर्ड है उसका क्या मीनिंग है,
रूबी वर्ड का मीनिंग है क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब Al2O3 टाइप का क्रिस्टल जिसमें 0.05% किसकी डोपिंग की जाती है, क्रोमियम आयन की। क्रोमियम की क्यों डोपिंग की जाती है, क्योंकि इसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं पेरेंट्स जो क्रिस्टल रहेगा उससे थोड़े से ज़्यादा हो गए, जिससे क्या होगा कि आपका जो पॉपुलेशन इन्वर्सन है वो इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए क्रोमियम आयन की क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है। दूसरा रीज़न कि उस पर यदि हम वाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो आपका जो ब्यूटीफुल कलर रेडिएट होते हैं, और इसलिए क्रोमियम आयन का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और इसलिए इनको ही हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेंटर कहते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम में शायद आप देख रहे होंगे, यह है उसका कंस्ट्रक्शन। एक पहले पिंक रूबी रॉड ली जाती है जिसका डायमेंशन लगभग 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, ये बताया था मैंने, और 1 सेंटीमीटर इसका विड्थ होती है, डायमीटर होता है। इसको एक ग्लास ट्यूब पे रख दिया जाता है। ग्लास ट्यूब को किससे सराउंड किया जाता है, फ्लैश ट्यूब से। फ्लैश ट्यूब में जिनॉन गैस भरी रहती है, और इसको किससे कनेक्ट किया जाता है, हाई वोल्टेज से। तो जो एनर्जी सोर्स है उसका काम करता है हाई वोल्टेज और जिनॉन गैस। जिनॉन गैस हाई वोल्टेज से जैसे ही इसको एक्टिवेट करते हैं तो आपका फ्लैश प्रोड्यूस होता है, हाई इंटेंसिटी का लाइट। ये एक्टिव मीडियम हो गया, जैसे हम एक्टिवेट करेंगे लोअर एनर्जी एटम हायर में चले जाएंगे। तो इस प्रकार आपके 3 कंपोनेंट हो गया। फोर्थ कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं, हम इसके जो ग्लास ट्यूब है M1 को इतना सिल्वर पॉलिश करते हैं कि ये फुल्ली रिफ्लेक्टर हो जाए। इसको हम पार्शियली सिल्वर पॉलिश करते हैं, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इस प्रकार इसके वर्किंग की बात करें तो 3 लेवल पे फॉलो करता है ये। इनिशियली क्रोमियम आयन आपके लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं, जैसे एनर्जी प्रोवाइड होती है या तो E3 में जाते हैं या फिर E3 में जाते हैं। यहाँ पर उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए कोई भी एटम ज़्यादा समय के लिए स्टेबल नहीं होता है, और रिपीटली कहा जाता है आपका E2 पे आ जाता है। इस टाइप के ट्रांजिशन को क्या कहते हैं, हम नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन कहते हैं। E2 पे इतनी सफिशेंट एनर्जी होती है कि कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। और जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो आगे ऑप्टिकल रेजोनेटर के थ्रू ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता है, लेजर लाइट में। इसमें लगभग 6943 एंगस्ट्रॉम का लाइट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये सिंपल इसका वर्किंग हो गया। उसके बाद इसके पैरामीटर्स आपके पास लिखे होंगे अच्छे से, कि उसका वेवलेंथ क्या होता है, वर्किंग मोड क्या होता है, आउटपुट पावर क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, एप्लीकेशन भी मैंने लिखाए थे, और डिस्टेंस मैनेजमेंट, होलोग्राफी, और टू स्टडी द प्लाज्मा प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स, तो मेन ड्रॉबैक इसका यही है कि इसका जो वर्किंग मोड होता है वो पल्स में होता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी नहीं है, कि जो क्रोमियम आयन हम लेते हैं उसमें बहुत सारे कलर प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जो रूबी लेजर होता है उसमें सिर्फ रेड कलर का लाइट मिलता है। अदर कलर के रिस्पेक्ट में इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये सेकेंडरी ड्रॉबैक है। और एक ड्रॉबैक कि ये सिर्फ हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, मीन्स कोई भी वोल्टेज देने पे ऑपरेट नहीं हो सकता, कुछ पर्टिकुलर रेंज वाले वोल्टेज पे क्या होगा, वो ऑपरेट होगा। तो इस प्रकार क्या क्या पढ़ के रखोगे आप लोग, एक तो पंपिंग स्कीम, ठीक है, दूसरा बेसिक कंपोनेंट, तीसरा टाइप्स ऑफ लेजर, चौथा रूबी लेजर के बारे में। इस पर अपन एक क्यूज ऑर्गेनाइज करेंगे कल या परसों, दोनों में से एक दिन है, वो मैं आपको शाम तक क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप प्रिपरेशन रखना, ठीक है। इसके यदि किसी के पास नोट्स नहीं है तो आपस में ले ले, और आपस में भी नहीं है तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। गुड डे। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्लास अपन करते हैं। इसके अलावा भी कल किसी को यदि प्रॉब्लम आई होगी, कोई दिक्कत होगी, है ना, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करो कि मेरे इस कारण से स्कोर नहीं हो पाया और इस कारण से सबमिट नहीं हो पाया,
आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कितने बजे भी डालो, क्योंकि वो तो सिस्टम जनरेटेड होगा, आपने जितने बजे सबमिट करोगे, आप तो सीएस वाले हो स्पेशली, तो वो पता चल जाएगा कि किसने कितने बजे सबमिट किया। ओके, चीटिंग अपने आप से ना करे, है ना, अपना आपको वेल्यूएट करे, अच्छे से पढ़ोगे, इजी क्वेश्चन दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गुड डे, कोई इशू हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना।